हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अंजनास किचन में। आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी जैम। हम घर में ही अच्छा सा जैम बना सकते हैं और इस जैम में ना तो प्रिजर्वेटिव है ना ही कोई आर्टिफिशियल कलर। स्ट्रॉबेरी जैम बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होगी, जो कि है स्ट्रॉबेरी, शुगर और लेमन जूस। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम स्ट्रॉबेरी कट करके ले ली है। अब उसको एक पॉट में डाल के हम गरम करेंगे। स्टोव को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप शुगर। अगर आपकी स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी खट्टी है तो आप शुगर की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा के डाल दीजिए। और ये शुगर क्रिस्टलाइज ना हो जाए इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून नींबू का रस। जब तक ये शुगर डिजॉल्व ना हो जाए तब तक हम इसको हिलाते रहेंगे। जब तक हमारी शुगर डिजॉल्व होती है, आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। 2-4 मिनट के अंदर ही हमारी शुगर डिजॉल्व हो गई है और हमारी स्ट्रॉबेरी भी एकदम पक चुकी है। स्ट्रॉबेरी के पक जाने के बाद इसे हम मैशर से मैश कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रॉबेरी को मैश ही करना था तो इसको पीस के क्यों नहीं यूज में ले लिया। स्ट्रॉबेरी को ना पीसने के 2 रीज़न हैं। एक तो ये कि पीसी हुई स्ट्रॉबेरी का कलर पिंक हो जाता है, वो रेड नहीं रहता। और दूसरा ये है कि स्ट्रॉबेरी जैम में जो चंक्स आते हैं वो इसके टेस्ट को और भी एनहांस कर देते हैं। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं हमें इसे पकाते हुए और अभी हमारी कंसिस्टेंसी एकदम बढ़िया आ गई है। इस कंसिस्टेंसी के आने के बाद गैस को बंद कर दीजिए, क्योंकि ये ठंडा होके थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। जैम को अच्छे से ठंडा होने के बाद इसको कांच के जार में स्टोर कीजिए। आप इसे 2 से 3 वीक तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। खुद भी खाना औरों को भी खिलाना। रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।